सौदिया के खिलाफ सीबीआई ने जासूसी मामले में केस दर्ज कर लिया है, यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 1 बजे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले यह केस दर्ज किया गया है, सौदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। जासूसी कांड में सौदिया के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है और इस खबर को लगातार हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की मुसीबतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर फीडबैक यूनिट है सीबीआई की, जिसने सिसोदिया के खिलाफ इस केस को दर्ज किया है। तो पहले सीबीआई का शिकंजा, फिर ईडी का शिकंजा, और अब शराब घोटाले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और उसके बाद जासूसी कांड। तो अलग अलग मामलों में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक मामला जो है वो आ रहा है, और सभी मामले जो हैं वो गंभीर मामले हैं, चाहे वो शराब घोटाले की बात की जाए या फिर बात की जाए अब जासूसी कांड को लेकर। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नौकरी घोटाला, 25 तारीख को तेजस्वी की पेशी है, के कविता आज पेश नहीं हुई शराब घोटाले के मामले में, और मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले के साथ साथ जासूसी कांड में भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो घोटाला, जांच, समन, पेशी और सवाल, और 3 अलग अलग विपक्ष की बड़ी पार्टियों के नेता जो फिलहाल सवालों के, जांच के और घोटाले के आरोपों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, तेजस्वी यादव आरजेडी से, और तेलंगाना की बड़ी पार्टी के नेता फिलहाल शराब घोटाले में। तो फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें, जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस जो है वो दर्ज किया था और फीडबैक यूनिट ने केस को दर्ज किया है। तो ये जानकारी जो है ये निकल कर आई है, शराब घोटाला, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अब तीसरा जो मामला है वो है जासूसी कांड को लेकर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में केस दर्ज किया है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, सीबीआई की तरफ से जो फीडबैक यूनिट है उसने ये एफआईआर दर्ज की है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मुनीश जुड़े हैं। मुनीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए मुनीश से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पहले सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा, उसके बाद ईडी इस मामले में आई, वित्तीय लेनदेन की हेराफेरी का मामला,